सो हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टुडे बिकॉज टुडे इज 23rd September एंड माय बर्थडे इज टुमारो 24th September. सो दिस इज द लास्ट ईयर ऑफ माय 20th एरा. तो मैं चाहती हूँ कि मेरा ये दिन पूरा का पूरा प्रोडक्टिव जाए क्योंकि मेरा कुछ दिन से बहुत सारा काम पेंडिंग हो गया है. सो टू बी ऑनेस्ट, मैं नहीं चाहती कि कोई भी पेंडिंग काम लेके मेरा बर्थडे में कदम रखना. एंड सो टुडे आई एम गोना कंप्लीट ऑल ऑफ माय टास्क दैट आर पेंडिंग. सो या आई एम शूटिंग दिस व्लॉग वन डे बिफोर ऑफ माय बर्थडे एंड दिस इज गोना बी द बर्थडे व्लॉग. एंड मुझे ना एक बात बतानी है, सब लोग ईयरली रेजोल्यूशन लेते हैं लेकिन मेरा ईयर शुरू होता है मेरा बर्थडे से. सो व्हाट आई डिड एवरी ईयर, आई व्हेन माय बर्थडे केम आर ईयर रिफ्रेश्ड फॉर मी. तो या आई हैव ऑल्सो गिफ्टेड माई सेल्फ अ प्लानर विच आई एम गोना शो यू आफ्टर दिस इंट्रो. सो या लेट्स स्टार्ट द डे. आई एम ऑलरेडी डन विद माई मॉर्निंग रूटीन. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे मेरा अगले व्लॉग का जो कंटेंट है तो वो मैं इम्पोर्ट कर रही हूँ. अरे भाई बढ़ जा ठीक से. हाँ अभी ठीक है. इस वीक में मेरा संडे वीडियो भी अभी तक नहीं गया है. आज बहुत केओस हो रखा है यार, तो क्या ही बताओ. आज मैं सबके सब एकदम कंप्लीट करके तभी सोऊंगी. तो या चलो चलो जल्दी से शुरू करता है आज का दिन. सो दिस इज द चैनल जिसके बारे में मैं बता रही थी मेरे इंट्रो पे. एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस बिकॉज दिस इज फॉर माई ओन मनी एंड आई हैव बॉट दिस फ्रॉम द डूडल. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हो. एंड ऑफकोर्स दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, दिस इज कम्प्लीटली माई ओपिनियन बिकॉज मुझे लगा था कि ये डूडल का जो चैनल है ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है एंड बहुत सुंदर भी है. इसके इनसाइड एंड आउटसाइड आप देख सकते हो. पहले ये है बिलोंग्स टू का पेज एंड उसके बाद यहाँ पे है 12 मंथ्स का सेक्शन एंड बहुत सारा सेक्शन है जो आपके लिए बहुत ही काम आने वाला है. यू कैन ऐड योर फेवरेट टाइम ऑफ द ईयर, यू कैन ऐड योर फेवरेट बुक, शो, इवेंट, सॉन्ग्स एंड इसके सबके लिए एक अलग अलग पेज अलॉटेड है. तो ये बहुत ही सुंदर सा एक चैनल है. इवन इसका एक 52 week 7 का भी चैलेंज है जो आप ले सकते हो. इसके साथ साथ यहाँ पे डेडिकेटेड मंथली 12 मंथ्स का डेडिकेटेड पेजेस भी है जो कि आप आपके टू डू लिस्ट और आपके इमोशंस आप यहाँ पे लिख सकते हो. एंड इसके साथ साथ है स्टिकर बुक वाला पेज जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया. एंड उसके बाद मैं बैठ गई मेरे पढ़ाई करने, मेरे काम करने एंड दिस इज द टू डू लिस्ट फॉर द डे. एंड आई एम वेरी सॉरी कि ये व्लॉग बहुत ही ज्यादा लेट हो गया है मेरे जाने में. ऑलमोस्ट 1 month हो गया है मेरा बर्थडे एंड आज मेरा बर्थडे का व्लॉग जा रहा है. आई एम वेरी शेमफुल फॉर मी बट इट्स ओके टू बी नॉट कंसिस्टेंट ऑल द टाइम बिकॉज क्या ही बताओ, मेरा लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है तो इसीलिए मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पा रही थी. एंड उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम और भी था कि मुझे फीडबैक नहीं मिल रहा है आपसे क्योंकि थोड़ा बहुत व्यूज मुझे लगता है कि मैं जिस डेडिकेशन से वीडियो बनाती हूँ उससे कम वीडियो का लाइक्स एंड व्यू मिलता है मुझे, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील होता था. तो मैं क्या किया, मैं इंस्टाग्राम पे एक पोल दिया था कुछ दिन पहले एंड फेसबुक पे भी. तो वहाँ पे मैं आप सभी को पूछा था कि आप सभी क्या व्लॉग देखना चाहते हो मेरे चैनल पे, मतलब किस लैंग्वेज में व्लॉग देखना चाहते हो. तो एज आई एम अ बंगाली गर्ल, आई एम वेरी कम्फर्टेबल विद माई बंगाली लैंग्वेज. आई कैन फील दैट आई एम इन माई कम्फर्ट जोन वैन इट कम्स टू बंगाली. एंड सच तो ये है कि मेरा ये हिंदी एंड इंग्लिश में ब्लॉग बनाने का जो डिसीजन था ये इसीलिए था क्योंकि मैं सोचा था कि अगर मैं हिंदी और इंग्लिश में ब्लॉग बनाऊँ तो मेरा कंटेंट ऑल ओवर इंडिया सर्कुलेट होगा एंड मेरा व्यूज बहुत जल्दी ज़्यादा आएगा. लेकिन आई वॉज वेरी रॉन्ग क्योंकि मेरा जो सब्सक्राइबर्स है, मेरा जो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का जो फॉलोअर्स है वो सभी बंगाली. And for me, my followers and my subscribers are not only the technical something, they are like my family. तो मेरा family चाहता है कि मैं बंगाली में vlog बनाऊँ तो मैं बंगाली में ही vlog बनाऊंगी. तो आज के बाद से आपके एंडी आपके लिए बंगाली में ही vlog बनाएगी. Hello, so I just came out of shower. Now it's already 3:10. So it's super duper late and क्या ही बताओ, अभी तक लंच नहीं हुआ है एंड अभी मैं लंच करूंगी. उसके बाद आई हैव सम शूट. सो आज मैं पूरा का पूरा जो मेरा शूट्स पेंडिंग है वो सब मैं कंप्लीट करूंगी. तो चलो बिना टाइम वेस्ट के काम पे लग जाते हैं.
Hey, so I just done with my shoot. You can see my makeup for this shoot. Actually, ये आई शेडो का एक ब्रांड प्रमोशन था तो वो ही मैं कर रही थी. आई थिंक आई एम लुकिंग वेरी प्रिटी. खुद का ही तारीफ कर रही हूँ, ये बहुत गलत बात है. तो ठीक है, तो अभी मैं जाऊँगी मेरा केक लाने, मेरा बर्थडे केक लाने. तो हाँ, दिस इज कॉल्ड अडल्टिंग. आई डोंट नो, नोबडी सरप्राइज्ड मी एवर ऑन माई बर्थडे. सो या एंड हाँ, ये सच बात है कि मुझे कभी भी कोई भी बर्थडे में सरप्राइज नहीं दिया है, तो क्या ही कर सकते हैं, किस्मत ही खराब है. आई गेस, आई डोंट नो, इट्स नॉट टॉक अबाउट दिस. बट या नाउ आई एम गोइंग टू बाई माई ओन बर्थडे केक. सो या आई एम वेरी मच एक्साइटेड. चलो 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 चलते, मैं और कुछ बताने नहीं चाहती. तो आई थिंक माई मेकअप इज लुकिंग वेरी प्रिटी टूडे, आई डोंट नो, बट ठीक है. तो मैं और मेरे मम्मी ने गई थी मियो अमोरे मेरे केक लाने. बगल में क्रिम्स भी था, लेकिन मेरा मियो अमोरे का टेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है, तो इसीलिए आई चोज द मियो अमोरे. एंड उस दिन मियो अमोरे का भी बर्थडे था, तो बहुत सुंदर से सब कुछ डेकोरेटेड था. एंड दे ऑल्सो गिफ्टेड अस अ हैम्पर टू, जो कि मैं घर जाके दिखाती हूं. एंड बहुत सोचने के बाद आई डिसाइडेड टू बॉट द व्हाइट फॉरेस्ट, क्योंकि मेरा हर बर्थडे पे चॉकलेट केक ही होता है. कुछ अलग ट्राई करने का मन था दिस 21 इयर्स में. तो ठीक है, तो आई बॉट दिस. एंड वो नाम प्लीज मत जज करना, क्योंकि वो मेरा पापा का दिया हुआ नाम है. आई थिंक ये तो सबके साथ ही होता है ना, फैमिली में कुछ उल्टा सीधा नाम तो रख ही जाता है. तो ठीक है, लेट्स स्किप दिस पार्ट. एंड मैं जो हैम्पर के बारे में कह रही थी, तो जिस द हैम्पर जो उन्होंने हमको गिफ्ट किया था उसके बर्थडे में, एक भुजिया था, एक चिकन पैटिस था, एंड एक लड्डू था, एंड एक मफिन. एंड दिस इज माय हैप्पी फेस आफ्टर कंप्लीटिंग माय ऑल ऑफ द पेंडिंग टास्क. एंड देयर इज द मोमेंट, इट वॉज 12 o'clock, एंड दिस वॉज माई माशिमोनी ऑन माई फोन. शी वॉज विशिंग मी माई बर्थडे, एंड इट वॉज द सीन ऑफ द 12 AM ऑन माई बर्थडे. मैं हर बर्थडे में 12 o'clock में ही मेरा केक काटती हूँ. एंड यहाँ पे आप जो पुडिंग देख रहे हो, ये मेरा मम्मी का बनाया हुआ था, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी था. एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे भगवान ने ऐसा फैमिली दिया है. आई एम वेरी मच ब्लेस्ड कि मेरा जो मॉम डैड है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, एंड आई रियली लव देम वेरी मच. आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड अ मिनी व्लॉग अबाउट माय बर्थडे, आप जाके चेक कर सकते हो. तो वहाँ पे मैं थोड़ा कन्फेशन की तरह कुछ बताई थी. तो एनीवेज, ये था मेरे बर्थडे का सुबह. एंड आई वेंट टू द मंदिर, मेरा नेशनल टेम्पल. तो सुबह सुबह उठ के हमने पकड़ लिया था एक उबेर, एंड लोकेशन में गलत डाल दिया था पहले, तो थोड़ा लेट हो गया था पहुँचने में. तो ठीक है, खैर टाइम पे हो गया था सब कुछ. एंड एज यू नो दैट आई एम अ नाइट आउल, तो मेरे लिए सुबह सुबह उठना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम होता है, लेकिन उस दिन बर्थडे था तो इसीलिए मैनेज हो गया सब कुछ. एंड मेरा एक गोल था दिस अक्टूबर कि मैं मेरा यूट्यूब का जो 800 सब्सक्राइबर्स है वो कंप्लीट करूँगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस इज ऑलमोस्ट 23rd October, लेकिन अभी तक मेरा 800 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं हुआ है. तो आप सभी को रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार कंप्लीट कर दो ना, क्या ही है, बस सब्सक्राइब ही तो करना है, ये तो फ्री है ना. तो उस दिन वेदर बहुत ही अच्छा था, धूप भी ज्यादा नहीं था, तो इसीलिए हम कंफर्टेबली चल पा रहे थे. तो आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू समथिंग दैट आई लर्न अबाउट माई 21st बर्थडे, दैट आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ लाइक स्पिरिचुअल थिंग्स लाइक गॉड एंड प्रेयर्स. आई स्टार्टेड बिलीव इन गॉड, एंड I think is the best part of my 21st learning. And पहले ना मैं ये spiritual मैं God से believe नहीं करती थी, लेकिन gradually when I went to the Mathura on this January, Bapuji came into my life and my life just got changed. हाँ, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो रहता ही है, एंड गॉड्स तो आपको परीक्षा लेगा, जो कि मुझे भी ले रहा है मुझे जो लगता है, क्योंकि सब कुछ का परीक्षा होता है, व्यक्ति का भी परीक्षा होता है. तो ये सोचना बंद कर दो कि आप ही सबसे बदकिस्मत इंसान हो इस धरती में, आपके सिवा कोई नहीं है, इतने सारा दुख सब भगवान जी ने आपको ही दे दिया है. ये बिल्कुल नहीं है, आपका गुड टाइम आने वाला है. जस्ट थिंक पॉजिटिव. आई एम सो मच नेगेटिव, आई नो, बट मैं ये सिखाऊं कि स्टॉप थिंकिंग सो मच नेगेटिव थॉट्स इन योर माइंड, बिकॉज वी सफर अ लॉट ऑफ इन आवर माइंड, बट इन द रियलिटी सीन कुछ और ही है. तो स्टॉप थिंकिंग गाइज, आई एम ऑल्सो ओवर थिंकर. सो मैं हर दिन सुबह उठ के खुद को यही बोलती हूँ कि स्टॉप थिंकिंग रविश थिंग्स ऑन योर माइंड, बिकॉज दिस इज रेनिंग योर मेंटल पीस.
सब कुछ के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, तो स्टार्ट एक्सेप्टिंग थिंग्स। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो दिस इज माई लंच, दिस इज माई बर्थडे लंच ऑफ दैट डे, एंड मम्मी ने बहुत सारा प्लेटर्स बनाए थे जो कि मैं स्टोरीज एंड इंस्टा सभी पे मैं शेयर किया था। अब अगर आप लोग फॉलो करते हो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में तो आप जाके चेक कर सकते हो। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो एंड मिलते हैं अगले वीडियो में मेरी बंगाली व्लॉग्स में। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय बाय।